हेलो गाइस, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। गाइस, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को प्रूव करने का है कि आपको पता होगा कि 36 6 से डिविजिबल, पता है आपको, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 36 6 से डिविजिबल कैसे है, तो आप इसके लिए मुख्यतः दो तर्क देंगे, मेनली दो तर्क देंगे। क्या देंगे? सबसे पहले ये कहेंगे कि 6 के टेबल में 36 आता है, 6 के टेबल में 36 आता है। तो क्या 6 के टेबल में n क्यूब माइनस n आता है क्या? नहीं, तो हमारे लिए फिर ये वाला राय कट गया। दूसरा आप ये कहेंगे कि चलिए 36 को हम फैक्टराइज कर देते हैं। अब जब 36 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज होने के बाद से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इट मींस कि 36 इज इक्वल टू 2 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 3, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर, हमने जब छोटे क्लासेस में डिविजिबिलिटी पढ़ा था तो उस समय में हमसे ये बताया गया था कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही अगर कटता हो तो वो 6 से भी कटेगा, ठीक। बस यही वाला जो कॉमन रूल है, हम इसी को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि n क्यूब माइनस n क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। सो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि p इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n है, ठीक है। ये किसी एक के तो बराबर वैल्यू होगी। अब इसमें हम n कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए, n का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, लेकिन से भी कोई वैल्यू इधर उधर तो होती नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किस फॉर्म के बेसिस पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 एंड n माइनस 1, ठीक। यहां तक आपका बेसिकली फैक्टराइज हो गया है। अब आपको इस पे कंक्लूजंस देने हैं। इसके लिए आपको दो कंक्लूजन तो मेनली देने हैं और तीसरा सीधा रिजल्ट देना है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या होगा कि आप लिखेंगे आउट ऑफ दीज थ्री, आउट ऑफ दीज थ्री का मतलब कि ये तीन जो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो थ्री आउट ऑफ दीज थ्री एनी वन इज डिविजिबल बाय टू। आप कभी भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर लिखिए, आपके दिमाग में जो भी है वो सोच सकते हैं। ऐसे मैं यहां पर लिखता हूं 16 17 18। आप देखिए कि ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। चलिए अगर आप इसको देखें तो ये ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, लेकिन ये क्या है, ये 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, ठीक। तो हमने यहां पर सिंपली क्या लिखा है, हमने यहां पर लिखा है आउट ऑफ दीज 3 एनी वन इज डिविजिबल बाय 2। और ये पक्का ही होना है, जब भी आप तीन कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगातार के नंबर, ठीक है। तो जब भी आप तीन लगातार नंबर लिखेंगे तो उसमें से कोई भी एक 2 से डिविजिबल होगा, एंड और आउट ऑफ दीज 3 कंसेक्यूटिव नंबर, आउट ऑफ दीज 3 कंसेक्यूटिव नंबर एनी वन इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, ठीक। तो रिजल्ट क्या कहेगा, तो रिजल्ट कहेगा कि सो इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, है ना। सो ये किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा बाय डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, बाय डिविजिबिलिटी रूल, है ना। यानी डिविजिबिलिटी रूल से ये क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आप ये समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।